हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरमान। फ्रेंड्स, आज हमारी जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाली है जिम वाले बंदों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम उनके लिए प्रोटीन का सामान बनाने जा रहे हैं। ये हमने लेग पीस ले लिया, एक अंडा ले लिया है। अंडे को हमने जो पीली जर्दी है उसकी रहने दी है, वाइट उसका निकाल लिया है। और ये थोड़ा सा जीरा ले लिया हमने, जीरे को हमने अच्छी तरह भून के और क्रश कर लिया है। इसमें हमारा हमने एक आधा नींबू ले लिया है, उसको निचोड़ लिया। और इसमें हल्की सी पीसी काली मिर्च ले ली है। आप काली मिर्च लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। और ये हल्का सा काला नमक ले लिया है। ये थोड़ा सा हमने हींग ले लिया है। हींग आप कोई सी भी ब्रांड का भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, पीस को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसमें हम कट कर लेते हैं। एक्चुअली जिम वाले बंदों को जो है पीस को उबाल के खाना होता है चिकन को, लेकिन वे चिकन को उबाल के सही तरीके खा नहीं पाते हैं या उसका स्वाद नहीं बनता। तो आप इस तरह भी से भी इसको खा सकते हैं। हमने इसमें अच्छी तरह कट बना लिए, दोनों तरफ बना लेने। अब इसको हम इसमें डालते हैं। अब इसमें हम डालते हैं जो हमने अंडा लिया था उसका हमने पीला निकाल लिया, ये इसमें डाल दिया। अब इसमें डालते हैं पिसी काली मिर्च, और ये डालते हैं हम जीरा। जीरे को हमने अच्छी तरह क्रश कर लिया, और ये हमारा काला नमक। काला नमक अपने स्वाद अनुसार लेना, जितना आपको पसंद है। और ये हल्का सा हींग ले लेते हैं। हींग आपको पसंद है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी ये पेट को सही रखता है, इससे कोई हानि तो होती नहीं बल्कि फ़ायदा ही होता है। आपको पसंद है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से इसमें मिक्स करना है। इसमें कोई भी फैट बढ़ाने वाली चीज़ तो ही नहीं, ताकि इसको आप अच्छी तरीके से खा सकते हैं और इसे टेस्टी भी लगेगा और इससे नुकसान भी नहीं होगा। चिकन में क्या है कि प्रोटीन अच्छे से होता है। तो इसको हमने एक प्लेट में कर लिया अच्छे से। तो फ्रेंड्स, माइक्रो को हमने गरम कर लिया है, इसको माइक्रो में रखते हैं। अब माइक्रो को हम 3 मिनट पर सेट कर देते हैं। 3 मिनट पर हमने माइक्रो को सेट कर दिया। अभी 3 मिनट तक एक तरफ से पकाएंगे इसको, फिर देखते हैं। फ्रेंड्स, 3 मिनट होने वाली है। अब इसमें हम निकाल के चेक करते हैं। इसमें तो फ्रेंड्स 3 मिनट हो गया। अब इसमें हम इसको चेक करते हैं। कपड़े से निकालना है, ये प्लेट काफ़ी गर्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम नींबू ऐड कर देते हैं। नींबू को हल्का हल्का ऊपर से लगाना है। नींबू से क्या है कि नुकसान भी कुछ नहीं है और फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। इसमें हमने नींबू ऐड कर दिया। अब इसको हम पलट के दूसरी साइड से रखते हैं। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहा है। अब इधर भी हम नींबू ले लेते हैं। अब इस तरफ से भी हम इसको 2 मिनट के लिए रख देते हैं।
अब इसका टाइम सेट करते हैं 2 मिनट पे। 2 मिनट पे हमने इसका टाइम सेट कर दिया, आप देख सकते हैं। अब 2 मिनट इंतज़ार करके फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स 2 मिनट इसकी हो गई है, अब इसमें हम देखते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह तैयार हुए हैं। अभी एक बार और इसको डालते हैं, इधर से जो बचा हुआ नींबू है हमारा उसको भी लगा देते हैं। अब इसको दोबारा से रख देते हैं। इसको 3 मिनट के लिए और रख देते हैं। 3 मिनट के लिए हमने रख दिया, 3 मिनट बाद इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ गलत लगता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि हमें किस चीज़ में सुधार करना चाहिए। और अगर आप इसी तरह की आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको और भी वीडियो इसी तरह की चाहिएगी, जिससे कि फैट ना बढ़े और जिम वालों बंदों के लिए खाने के आइटम इसी तरह के हम बनाते रहें। तो फ्रेंड्स 3 मिनट हो गई है, अब इसको हम देखते हैं फिर से चेक करके। मिल हो गया, हम देखते हैं इसको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स पीस हमारा एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। अभी आपको इसको लगा के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। कितना जूसी और कितना टेस्टी, आप भी ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मतलब हमारा ये पीस जो है बड़े ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। और जूसी भी है और ये स्वादिष्ट भी है खाने में। जैसे आप बॉयल करके खाते हो वो आप ज़्यादा नहीं खा सक पाते, लेकिन ये आप काफ़ी खा सकते हो। और ये हमारा तकरीबन 250 ग्राम हमने तैयार किया, जिसका कि 250 ग्राम बंदे को एक दिन के अंदर लेना चाहिए जो नॉन वेज बंदे हैं। वेज वालों के लिए भी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और साथ में आप इसके सलाद ले सकते हो, कुछ भी हमने सिर्फ खिया लिया है, अभी इसके साथ कुछ भी ले सकते हो और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। चेक करके बताते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही मस्त बनाया, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।